नेमावर में आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों की नृशंस हत्या के मामले में आदिवासी समाज एकजुट होकर कर रहा विरोध, उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग। मध्य प्रदेश के देवास जिले में हुए नेमावर हत्याकांड अब टूल पकड़ता जा रहा है। मामले को लेकर आदिवासी समाज एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं। विगत दिनों देवास जिले के नेमावर थाना क्षेत्र में हुए सामूहिक हत्याकांड के विरोध में गौड़वाना गणतंत्र पार्टी ने विरोध प्रदर्शन कर मंडला कलेक्ट्रेट के पास धरना दिया और विशाल रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि नेमावर में हुए सामूहिक हत्याकांड में 45 दिन पूर्व लापता आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों के शव एक खेत से बरामद हुआ था। आदिवासी समाज का आरोप है कि इस हत्याकांड को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ज्ञापन में गौड़वाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा उच्च स्तरीय जांच कराकर आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की गई है। साथ ही कार्रवाई नहीं किए जाने वाले पुलिस अधिकारियों पर FIR दर्ज कराना तथा पीड़ित परिवार को नौकरी, सुरक्षा और 3 करोड़ की आर्थिक सहायता देने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने के लिए बड़ी संख्या में गौड़वाना गणतंत्र पार्टी कार्यकर्ता एवं आदिवासी समाज के लोग शामिल रहे। मई की घटना है, नेमावर में 5 आदिवासियों की हत्या कर दी गई और 10 फीट जमीन के नीचे गड़ा दिया गया। ये शिवराज सिंह चौहान की सरकार के व्यक्ति मतलब BJP के मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान के द्वारा किया गया और वहाँ पर पूरे 47 दिन बाद थाना में प्रेशर बना के BJP सरकार द्वारा जो किया गया है उसी कृत्य को लेकर आज 5 जुलाई को गौड़वाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है कि हर समय आदिवासियों का मतलब इतना ये जघन्य अपराध है, निंदनीय है सबके लिए, जो देश में रह रहा है उसके लिए भी है, लेकिन ये आदिवासियों के साथ ही क्यों होता है और उनको न्याय नहीं मिलता। जब से ये BJP सरकार आई है तो आदिवासियों के साथ सबसे ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं। इसी के लिए गौड़वाना गणतंत्र पार्टी पुरजोर विरोध करके और जब तक उनको न्याय नहीं मिलता राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति को हम लोगों की तरफ से ज्ञापन दिया जा रहा है पूरे हर जिला मुख्यालय में जहाँ जहाँ गौड़वाना गणतंत्र पार्टी है और इस सरकार मतलब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई है। आज गौड़वाना गणतंत्र पार्टी और गौड़वाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा द्वारा देवास जिले के नेमावर में जो सामूहिक हत्याकांड हुई है उसके विरोध में उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।